नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रभात ट्रेडिंग सर्विस। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कल के मार्केट का व्यू। देखिए मार्केट इन लेवल पे बहुत ज्यादा रेंज बता रहा है, तो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या कल मार्केट यहां से गिरेगा या चढ़ेगा। बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो हम समझने वाले कि क्या बैंक निफ्टी फिर से इन लेवल पे सुधरने वाला है या चढ़ने वाला है, सबको जानेंगे आज की वीडियो में। अलॉन्ग विद दिस हम जानेंगे दोस्तों कल के दो स्टॉक के बारे में व्यू जो आपको कल अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक अपडेट दे दूं, लास्ट फ्राइडे को हमने क्या दिया था, एक्सिस बैंक, जीएम फॉडलर एंड एमजीएल दिया था। दोस्तों तीनों का हम अपडेट लेने वाले हैं आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि वीडियो में काफी कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक एक बारीकियां मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे हमने अपनी प्रीवियस एनालिसिस को इंप्लीमेंट किया था, क्या क्या चीजें वहां पर देखी थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों आइए पहले मैं आपको ले चलता हूं एक्सिस बैंक के चार्ट पे और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे जो हमने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, एक्सिस बैंक ने उसी हिसाब से एंटिसिपेट किया। दोस्तों मैंने आपको डेली चार्ट पे समझाया था कि देखिए एक्सिस बैंक अपने मल्टी टाइम रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और यहां से ये गिरेगा अगर इसके नीचे रहता है तो। क्या हुआ लास्ट फ्राइडे के सेशन में आप सबने देखा, दोस्तों सब लोगों ने देखा एक शानदार रैली नीचे के साइड एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक उछला हमारा, हमने टेलीग्राम पे जो लेवल अपडेट किया था 453 के आसपास का अपडेट किया था शॉर्टल करने का। आई होप आपने यहाँ पे बेचा होगा और एक शानदार मूव मिला था हमको एक्सिस बैंक में। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हमारी वीडियो से सब लोग बहुत सीखते हैं, सब लोग बहुत कमाते हैं, परंतु बस बहुत चुनिंदा लोग कमेंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे को लिटरली नहीं पता है। दोस्तों एक्सिस बैंक में इतना, देखो इतना जबरदस्त एनालिसिस हमने दिया, इतना जबरदस्त ट्रेड दिया, बावजूद इसके बहुत कम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चीजें क्यों हो रही है मेरे को नहीं पता है, आप सब लोगों के बहुत कम कमेंट आते हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिखाइए हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग। जो ये चीजें आपको मिल रही है वो ये चीजें कहीं और नहीं मिलेगी आपको, मैं बता सकता हूं इतना गारंटी देके, ठीक है। आपको मैं इतना बढ़िया से बढ़िया ट्रेड दे रहा हूं, परंतु थोड़ा बहुत आप भी हमको क्या कीजिए, थोड़ा बहुत लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके मोटिवेट कीजिए प्लीज, ठीक है। एक्सिस बैंक में एक जबरदस्त हमको मूव देखने को मिला था। अच्छा बात करते हैं जीएम फॉडलर की। दोस्तों अब इसकी भी बात मैं करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एसएल हिट हुआ तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए जीएम फॉडलर में हमने आपको बताया था इसमें उछाल मिले तो आपको बेचना 4200 के जब तक नीचे रहे। ये दोस्तों 4200 के इस तो नीचे आया ही नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट इसने ऊपर, ये ऊपर चला गया था। इसमें हमारा एसएल हिट हुआ, साफ शब्दों में क्या मैंने बोला, एसएल हिट हुआ, कोई इशू नहीं है। दोस्तों तीन ट्रेड व्यक्ति देता है तो तीन ट्रेड में एक ट्रेड लाजमी है, पांच में से दो ट्रेड लाजमी है आपके इधर उधर होंगे, ठीक है। तो जीएम फॉडलर में हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। अच्छा बात करें, मैंने आपको याद है वीडियो में क्या कहा था, मैं आपके लिए एक बोनस स्टॉक लेके आया हूं, उसका नाम क्या है, एमजीएल। क्या नाम है, एमजीएल। अच्छा दोस्तों एमजीएल में मेरे ख्याल से आई होप आप सब ने भर भर के पैसा छापा होगा। दोस्तों देखिए अब एमजीएल का इतना शानदार एनालिसिस गया, परंतु उसके बावजूद भी बस, अच्छा बस 50-100 लोग कमेंट करेंगे, उसके बावजूद हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है 35,000 का, बाकी सब लोग कमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी कमेंट कीजिए, आप हमको प्रॉफिट मत शो कीजिए, ठीक है, कि मैंने इतना कमाया है, बट आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमारी एनालिसिस कैसी थी, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, परंतु कोई कमेंट करने को राजी नहीं है, तो प्लीज थोड़ा दोस्तों कमेंट कीजिए ना, ओके। दोस्तों अगर आपको एमजीएल ध्यान होगा तो मैं आपको 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं कि एमजीएल में बेचना है, बेचना है, बेचना है, ध्यान रखो उछाल मिले, बेचो बेचो। और क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे के सेशन में एक शानदार डाउन साइड रैली दिखी। अब ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बताया था, जिसने वीडियो देखी है वो ये कंटेंट नहीं मिस करेगा, जिसने वीडियो देखी है वो तो सब कुछ ये मिस कर चुका है, ठीक है। तो वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि एमजीएल आपको शॉर्ट सेल करके चलना है। दोस्तों क्या हुआ एमजीएल में, एमजीएल ने उछाल लगाया और उछाल के बाद एक अच्छा खासा 50 रुपीज का डाउनसाइड मूव दिखाया एमजीएल ने। ये होती है पावर ऑफ एनालिसिस। देखो दोस्तों मैं प्रॉफिट कभी शो नहीं करता, ठीक है, मेरे को ये सबसे मतलब नहीं है, ठीक है, जिसको विश्वास करना है वो करिए, जिसको नहीं विश्वास करना है मत करिए, ठीक है। तो क्या है, एमजीएल
में आई होप आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा और सीख के समझ के, क्योंकि हमने डेली पे दोस्तों क्या डिस्कस किया था, डेली पे हमने आपको एमजीएम ने यही बताया था ना कि देखो डेली पे सपोर्ट तोड़ चुका है, तो आप बारीकियों को थोड़ा समझिए ना दोस्तों, ठीक है, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे मंडे के ट्रेड, और मैंने आपको जो मंडे के जो निफ्टी जो एनालिसिस की थी, क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया था, अगर 10,840 के ऊपर नहीं जाता है तो फिर डाउन साइड रैली देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में, एक्चुअल में वैसा ही हुआ। चलिए समझ चुके हम, अब हम चलते हैं, समझते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। दोस्तों एक एक बारीकियों को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल चीजों को समझ पाए, ठीक है। दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। दोस्तों देखो निफ्टी 50 एक रेंज बना रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, अब थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो गैप अप जो हुआ था ये गैप अप फिल करेगा, ठीक है, ये करेगा ही करेगा, उसके बाद ये अपसाइड रैली दिखाएगा। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 एक बेरिश और बुलिश एंगलफिन का इसने डेवलपमेंट कर दिया है, ठीक है। अब या तो इसका लो टूटेगा तो फिर ये 10,600 के आसपास आ जाएगा, इसके आसपास आना ही है, याद रखिएगा निफ्टी को इसके पास इसके आसपास आना ही है, तभी ये जाके क्या करेगा, तभी एक नया हाई लगाएगा 11,000 का। अदरवाइज अभी ये क्या है, अभी ये नैरो रेंज में है, ठीक है। ऊपर के साइड फिर से हमारा रेंज क्या है, 10,840 का है दोस्तों, ठीक है। 10,840 का लेवल क्रॉस होता है तभी हम बाय करेंगे निफ्टी को, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। जब तक 10,840 के नीचे रहेगा हमको सेल ही करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, कब तक वेट करना है, 10,600 तक हमको वेट करना है। जब 10,600 के आसपास जब हमको मजबूती दिखेगी, जब यहाँ पे आपको कैंडल दिखेगी, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर ऊपर साइड ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत समझिए चीजों को, ठीक है। तो ये है निफ्टी का। अच्छा, अगर आप निफ्टी को शॉर्ट सेल करते हैं मंडे के डेट में, ठीक है, अगर आप निफ्टी को 10,840 के नीचे शॉर्ट सेल करते हैं जब तक इसके नीचे रहेगा, तो आपका नीचे साइड टारगेट हो जाएगा 10,700, ठीक है। ये चीजें हैं, तो आई होप आप समझ गए हैं निफ्टी का। और देखिए निफ्टी लगातार अभी ये चार करीबन 5 दिन से रेंज में ही है, तो ये जो रेंज है ये रेंज का मेरे को नीचे साइड लग रहा है, हल्का फुल्का इसमें हल्का फुल्का शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिले निफ्टी में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर 10,840 का लेवल टूट गया तो आप फिर मंदी में मत रहिएगा, फिर आपको 10,900 का और 10,950 का लेवल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो आई होप आप समझ चुके हैं, हमको ना मार्केट से जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो जबरदस्ती करोगे मार्केट बाहर के भागा देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है आपने। चलिए चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए बैंक निफ्टी में ऊपर डबल टॉप लगा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अभी इसका क्या मतलब, दोस्तों लास्ट फ्राइडे में कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर था, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने प्रीवियस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। जैसे कि हमने आपको एक चीज बताया है, जैसा कि आपको सबको एक चीज पता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम करंट सपोर्ट, ठीक है। अभी ये करंट सपोर्ट बन चुका है, 22,400 का एक करंट सपोर्ट है। अगर 22,400 का लेवल प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर लगातार कैंडल बने रहता है तो फिर आपको फिर से 23,000 तक का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। परंतु अगर मान लीजिए 22,400 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, अगर आपका कैंडल क्लोज हो जाता है इस प्रीवियस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सपोर्ट देख रहे हैं आप, यहां भी सपोर्ट किया था, बाउंस किया था, यहां भी सपोर्ट हल्का फुल्का ले चुका है। अगर 22,400 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है बैंक निफ्टी, तो उस केस में आपको बेच देना है बैंक निफ्टी को। फिर नीचे साइड आपका टारगेट होगा 22,000 का, ठीक है, और 21,900 का आपका टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो इट इज ऑल अबाउट 22,400 का लेवल, ठीक है। हमें कोई प्रेशर नहीं डालना है निफ्टी पे, निफ्टी ये हमको दिखाएगा कि हाँ भाई निफ्टी कहां जा रहा है। अगर इसके ऊपर है बाय, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो गया तो सेल। दोस्तों ये जो नया जो मैं आपको तरीका जो बता रहा हूं ना कि 22,400 के ऊपर रहे तो बाय, 22,400 के नीचे रहे तो सेल, इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है, अंडरस्टूड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक लेवल के ऊपर हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको मार्केट में ज्यादा ही ना ओवर प्रेडिक्टेबल नहीं होना है कि ये चीज यही होगी, ये चीज यही होगी, या तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या तो मार्केट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है। हमको मार्केट के पीछे पीछे चलना है। वन मोर थिंग, ओके, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आइए चलते हैं अपने अब
स्टॉक्स पे कि कल हमको कौन सा स्टॉक्स प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए व्यक्ति है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है कर लीजिए, दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को हमने शॉर्ट सेल के लिए चूज किया है। इसको हमने शॉर्ट सेल के लिए क्यों चूज किया ये समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों देखिए पहली बात तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने एक अपने प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है। आप हैव अ लुक, आप यहां पे देख सकते हैं क्या किया श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने। इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, करंट सपोर्ट बन चुका था, ठीक है, उस करंट सपोर्ट को तोड़ चुका है। कहने का क्या मतलब है, इसको हमको बेच के चलना है। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 718 का, ठीक है। दोस्तों अब इसको ना कल खुलते ही नहीं बेचना है, इसको उछाल मिले ना तब बेचना है आपको, ठीक है। अगर बाउंस मिले इन दैट केस वी हैव टू सेल ओनली। कितने के आसपास, 715-716 के आसपास का जब बाउंस मिलता है आप वहां पे बेचिएगा, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये गिर चुका है, थोड़ा उछाल देगा, ठीक है, और 718 का आप ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है, और आपको शॉर्ट सेल करना। नीचे साइड में आपको टारगेट अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ सकते हैं आप। अच्छा, और मैं आपको अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे मेरे को क्या शो हो रहा है। आप ये देख सकते हैं आप कि डेली चार्ट पे ये लगातार डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया करता था। हैव अ लुक, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया करता था, फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप ट्रिपल टॉप, ठीक है। उस ट्रिपल टॉप ने काम अपना कर दिया है। अब क्या कहने का मतलब है, अब ये उछाल में हमको बेचना है इसको, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये कैंडल भी हमको इसी प्रकार से शो कर रही है। ये जो स्पाइक मिला था ये स्पाइक पूरा ये फिजल आउट हो चुका है, अब ये नीचे जाने को रेडी हो चुका है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अंडरस्टूड। दोस्तों जो दूसरा स्टॉक है हमारा उसका नाम है पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस। दोस्तों देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस एक अच्छे खासे लेवल पे मेरे को इस टाइम पे दिख रहा है। कहने का मतलब 1414 का एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल मेरे को दिख रहा है, ओके? अगर पिरामल एंटरप्राइजेस की 15 मिनट की कैंडल 1440 के नीचे क्लोज हो जाती है तो यू कैन गो शॉर्ट, ठीक है, फिर वहां पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। क्यों शॉर्ट सेल कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस ने एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाता है यू कैन गो शॉर्ट इन पिरामल एंटरप्राइजेस, ठीक है। नीचे साइड आपका फिर अच्छा खासा आप यहां तक आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। परंतु अगर मान लीजिए 1445 का लेवल प्रोटेक्टेड रह जाता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अगर 1445 का लेवल प्रोटेक्टेड रह जाता है तो फिर आपको पिरामल एंटरप्राइज ऊपर आपको एक लेवल दिखा देगा 1470 का। दोस्तों कहने का मतलब 1440 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो गई तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और अगर 1440 का लेवल प्रोटेक्टेड रह जाता है, ठीक है, और उसके बाद 1445 के ऊपर कैंडलस्टिक स्टिक जाती है तो फिर आप पिरामल एंटरप्राइजेस को बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जिस स्टॉक में ऊपर साइड और नीचे साइड मेरे को कन्विक्शन दिखती है मैं आपको लेवल दोनों प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं कैसे हमको इसमें प्ले करना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, और पिरामल एंटरप्राइजेस ओवरबॉट है, ये बहुत चढ़ चुका है। तो देखो टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको, मेरे को इसमें क्या फीलिंग लग रही है, मेरे को इसमें नीचे साइड की फीलिंग लग रही है, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर नीचे लेवल टूटता है तो ही बेचना है, अगर 1440 के लेवल टूटता है तभी बेचना है, ठीक है, अदरवाइज कोई बेचने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज इट फॉर टुडे। वन लास्ट मैं आपके लिए बोनस स्टॉक लेके आया हूं, उसका नाम है आईजीएल। दोस्तों आईजीएल हमको बेचना है, अब बेचना कब है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों पहली बात तो आईजीएल ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन है, ठीक है। अगर मैं आपको ले चलूं डेली के टाइम फ्रेम पे तो देख सकते हैं आप डेली के टाइम फ्रेम पे इसने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना, अब हमको स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, अब हम आ गए स्मॉल टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको उसको बेचना जब ही है जब ये 406 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, जब इसके नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो हम उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं नीचे के साइड। अभी नहीं बेचना, अभी ये रेंज में, अभी नहीं बेचना है हमें, बेचना कब है जब 406 के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए। तो ये है हमारा एक्स्ट्रा बोनस स्टॉक, जिस प्रकार से MGL गिरा उस प्रकार से IGL उतना नहीं गिरा है, तो रेडी रहिएगा बेचने के लिए इस लेवल के नीचे।
सो दोस्तों आई होप आप समझ गए हैं, काफी कुछ मैंने वैल्यू ऐड किया होगा, काफी कुछ आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखी होगी हमारी वीडियोस से। बस दोस्तों सीखते रहिए, समझते रहिए और देखिए सीखिए कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे सीखिए, ठीक है, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे मेंटर हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ज्ञान कहीं से भी लीजिए, ज्ञान का स्रोत कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आपको इसी प्रकार से एजुकेशनल बेस्ड एंड इंस्पायरिंग बेस्ड कंटेंट चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए प्रभात ट्रेडिंग सर्विस को। टिल देन नमस्कार आप सबको।